Sadhguru Designer Wedding Collection, handpicked fabrics and premium brands. Sadhguru Store, Naginabag, Ajmer. अजमेर नगर निगम राजस्व अधिकारी रिश्वत मामले में आरोपी रेखा जेसवानी को एसीबी न्यायाधीश के घर शुक्रवार को पेश किया गया, जहां से आरोपी जेसवानी को अदालत ने 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। वहीं एसीबी न्यायाधीश आलोक सिनोदिया के घर पर शुक्रवार शाम को आरोपी जेसवानी की पेशी के बाद एसीबी अधिकारियों से बातचीत में पता चला है कि अधिकारियों को अजमेर में ऐसे और पीड़ितों की तलाश है जिनसे आरोपी रेखा जेसवानी ने अवैध वसूली की है। हालांकि एसीबी अधिकारियों को रेखा जेसवानी के घर से कोई भी ऐसे सबूत या कागजात नहीं मिले हैं जिनसे पीड़ितों की पहचान हो सके, लेकिन फिर भी अवैध वसूली की राशि का अंदाज़ा लगाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब एसीबी अजमेर में ऐसे पीड़ितों को बुलाना चाहती है जिनसे रेखा जेसवानी वसूली करती आई है, और इसके लिए एसीबी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और भ्रष्ट अधिकारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए शहरवासियों से शिकायत देने की उम्मीद भी लगाई है, जिससे केस को और मजबूत किया जा सके। अपने दर्शकों को बता दें कि गुरुवार शाम अजमेर नगर निगम की राजस्व निरीक्षक रेखा जेसवानी ने सड़क किनारे ठेले लगाने वालों से मासिक बंदी के तौर पर 3,000 की रिश्वत ली थी, जिस पर एसीबी ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से गिरफ्तार शुदा आरोपिया श्रीमती रेखा जेसवानी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें 20-3 तक की न्यायिक अभिरक्षा के आदेश फरमाए हैं और इसमें जांच जारी है। क्या मामला था? आरोपिया रेखा जेसवानी जो नगर निगम अजमेर के अंदर राजस्व अधिकारी के पद पर पदस्थापित है, परिवादी कमलेश सिंधी द्वारा 3 तारीख को ब्यूरो मुख्यालय पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरा नींबू पानी और सोडा का सिकंजी का जो थैला है उसको उसके ऊपर कार्रवाई करने और धमका कर प्रतिमा मेरे से मंथली वसूल कर रही है, उसके एवज में 5,000 रुपये प्रथम महीने में और पिछले 3 महीने से 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये वसूली कर रही है। रिपोर्ट के बाद में इसका डिमांड वेरिफिकेशन कराया गया, जिसमें आरोपिया द्वारा इसको रिश्वत की राशि लेकर घर पर बुलाया था, और घर पर बुलाने के बाद में इसका कल शाम को जब रिश्वत राशि की डिलीवरी के समय इसको ट्रैप किया गया है और ट्रैप के बाद में अग्रिम कार्रवाई जारी है। कहाँ कहाँ ये रिश्वत की राशि जारी थी, इसको लेकर भी कोई जांच? नहीं, इसके संबंध में अभी कोई ऐसा क्लू सामने आया नहीं है, क्योंकि ये एक ठेले वाले शहर सोशल मीडिया और अन्य कई साधनों से जानकारी में आया कि यहाँ कई ठेले वालों से भी वसूली की जा रही थी, लेकिन कौन वसूली कर रहा था और किस तरह से वसूली हो रही थी ये जो आम आदमी आगे आकर बताए या रिटर्न में शिकायत देने पर ही ये चीज़ क्लियर हो पाती है, इस क्लू पे काम किया जा सकता है। फिलहाल रेखा जेसवानी के विरुद्ध जो कमलेश की जो रिपोर्ट थी उस पर कार्रवाई की गई है।